हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच के वॉर की। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया ही, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भी ये सुनकर गुस्सा आएगा। आपको रेसलर कोडी रोड्स याद है WWE में? ये बंदा हॉल ऑफ फेमर डस्टी रोड्स का बेटा और गोल्डस्ट का भाई है। इस बंदे ने WWE में कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता नहीं, और ये बंदा रोमन रेंज को बुरा भला कह रहा है। ये बंदा TNA गया, उधर से निकला, अब ROH में जाकर बुलेट क्लब में ज्वाइन हुआ, और अभी ये ROH वर्ल्ड चैंपियन है। हुआ ये कि कल कोडी ने कहा कि अब वो टाइम नहीं रहा कि कंपनी की वजह से लोग रेसलर्स को जानेंगे, अब लोग रेसलर की वजह से कंपनी को जानेंगे, और वो कंपनी है रिंग ऑफ ऑनर, और जो कंपनी मैं रखता हूँ वो है बुलेट क्लब। तो आओ मेरी तरफ और मैं स्माइल करता रहूंगा, क्योंकि मैं बिगेस्ट ड्रॉ हूँ पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों, बिगेस्ट ड्रॉ मतलब वो बंदा जो अकेले के दम पे टिकट सेल करता है। इस कमेंट पर फिर रोमन रेंज के एक फैन ने ट्विटर पर रोमन रेंज से पूछा कि आपका क्या कहना है इस पर। तब रोमन रेंज ने कहा कि मुझे वो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंपनी या हाउस 1,00,000 लोगों को टिकट्स नहीं बेच सकती, तो वो बंदा बस फालतू की बातें कर रहा है। फिर इसका रिप्लाई कोडी रोड्स ने रिंग ऑफ ऑनर के शो पे दिया। उन्होंने रोमन रेंज को कहा कि मुझे लगा कि वो वेस्ट जो तुम पहनते हो वो फेल ड्रग टेस्ट स्टेरॉइड को कवर करने के लिए है, पर वो तो जलन को कवर कर रहा है। ऐसा बेहुदा कमेंट कोडी रोड्स ने दिया रोमन रेंज पर। दोस्तों, ये बंदा कोडी रोड्स, बुलेट क्लब और इनकी कंपनी ROH कुछ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए, इसलिए WWE को टारगेट कर रहे हैं। ये जो बुलेट क्लब है, इन बंदों ने NWO जो टीम थी WCW में, उनके जैसे टी-शर्ट्स बनाए, उनके जैसा हैंड जेस्टर्स किए, और DX की भी कॉपी करने को नहीं छोड़ा। तो ये सब WWE का ही कॉपी करके WWE के टॉप डॉग रोमन रेंज को ही टारगेट कर रहे हैं, साले चूतिए लोग। दोस्तों, इनकी हालत देखो, गे है सबके सब, और ये चले WWE और रोमन रेंज को टारगेट करने। व्हाट अ जोक। और दोस्तों, रॉ और स्मैकडाउन के शो के लिए 13,000 से 15,000 लोग होते हैं, इन फालतू शो जैसे ROH और NJPW, इनके शो में सिर्फ 1200 से लेकर 1300 लोग होते हैं। WWE का बिगेस्ट शो रेसलमेनिया हर साल रिकॉर्ड तोड़ता है। रेसलमेनिया 32 में 1,00,000 के ऊपर लोग थे, और ROH के बड़े इवेंट में 10,000 के ऊपर लोग नहीं होते। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।